अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ आयशा और आप देख रहे हैं किचन विद आयशा यूट्यूब चैनल। आज हम बनाएंगे किटकैट शेक और उसके लिए जो चीज़ें हमें चाहिए, सबसे पहले हमने ब्लेंडर में वनीला आइसक्रीम ऐड करनी है। मैंने वनीला आइसक्रीम के 2 स्मॉल कप्स ऐड किए हैं। वनीला आइसक्रीम ऐड करने के बाद हम इसके अंदर 4 स्टिक्स किटकैट ऐड करेंगे। गर्मी का टेम्परेचर इतना ज़्यादा है कि ये काफ़ी मेल्ट हो गई है, सिर्फ 2 मिनट अभी फ्रीजर से बाहर रही थी। अब हम इसमें 1 ग्लास मिल्क ऐड करेंगे जिसके अंदर 2 टेबल स्पून क्रश्ड शुगर ऐड थी। अब हम इसको अच्छे से ब्लेंड कर लेंगे। ये ब्लेंड हो चुका है तो ये आप देख सकते हैं कि काफ़ी अच्छा और थिक बना है। तो यहाँ पे हमने क्रेव चॉकलेट सिरप से ग्लास की इनर साइड्स पे ऐसे लेयर लगा के ग्लास को अच्छे से डेकोर कर लेना है। जब इसके अंदर हम मिल्क शेक डालेंगे तो वो बहुत खूबसूरत लगेगा। ये ऐसे आपने इसको डेकोर कर लेना है। अब हम इसके अंदर मिल्क शेक डालेंगे। आखिर में हम स्पून की हेल्प से फोमिक शेक ग्लास के ऊपर ऐसे सेट कर लेंगे ताकि हमारी किटकैट ग्लास के ऊपर स्टेबल रहे। तो अब हम इसके ऊपर किटकैट लगाएंगे। किटकैट लगाने के बाद मैंने इसके ऊपर क्रश्ड कैंडी बिस्कुट लगाया है जिससे ग्लास और भी खूबसूरत लग रहा है। तो अगर आपको मेरी रेसिपी अच्छी लगी है तो कमेंट करके ज़रूर बताएं। इस तरह की मज़ीद वीडियोस देखने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ वाले बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें। जज़ाकअल्लाह।